नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और आपको बता दें कि अभी अभी गांव रूपावास के बस स्टैंड पे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो मोटरसाइकिल टकराए हैं और मोटरसाइकिल टकराने से एक युवक सुभाष, जिसका नाम बताया गया है, वह डेड हो गया है और वहीं दो लोगों के घायल होने की सूचनाएँ मिली हैं, जिसमें महेंद्र और सोनलाल गाँव थालड़ का राजस्थान के रहने वाले थे। वो किसी कार्य से सिरसा की तरफ से आए थे और सुभाष जो है कि जमाल गांव की तरफ से आया था। दोनों का अनबैलेंस होने के कारण मोटरसाइकिल है वो टकराए हैं। टकराने के बाद मौके पर ही सुभाष को चोटें ज़्यादा लगने के कारण उसकी डेथ हो गई है। यह जानकारी हमें मिली है SI सतपाल भंबू, जो कि 112 पर तैनात हैं। वो मौके पर पहुँचे और घायलों को नाथूश्री चोपटा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया है, वहीं दो लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीम जो मौके पर 112 पहुंची, उसमें SI सतपाल भंबू और उनके साथ ड्राइवर रमेश मौके पर पहुंचे और पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल नाथूश्री चोपटा लाया गया है। आपको बता दें कि एक बड़ी घटना रूपावास गांव के बस स्टैंड पर हुई है, जिसमें दो मोटरसाइकिल टकराने से तीन लोगों को चोटें लगी थी, जिसमें सुभाष जो जमाल का है उसको चोटें गंभीर लगी और वह डेड हो गया है। उसको लेकर जो 112 की टीम है वो मौके पर नाथूश्री चोपटा सरकारी अस्पताल पहुंची। ये जानकारियां जो हैं SI सतपाल भंबू द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं, सभी जो वाहन चालक हैं उनसे गुजारिश बेधड़क हरियाणा टीम करती है कि आप अगर मोटरसाइकिल पर हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, अगर आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और जो दिशा निर्देश और नियम बनाए गए हैं हमारे जो ड्राइविंग करते वक्त के, उनको उनकी पालना करें, क्योंकि हादसे होते हैं और उसके बाद पीछे परिवार के जो लोग हैं उनको बड़ी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए बेधड़क हरियाणा टीम की ये मुहिम है कि रोड एक्सीडेंट ना हो, रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनकी पालना की जाए और जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं ड्राइवरों के लिए उनको फॉलो करना चाहिए। ये तमाम जानकारियाँ हैं, ये आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। आपको बता दें कि रूपावास गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है, दो युवक घायल हैं। मृतक के युवक का नाम सुभाष, जो कि जमाल का रहने वाला है, और घायल जो दो युवक हैं वो सोनलाल और महेंद्र थालड़ का राजस्थान के रहने वाले हैं। धन्यवाद।